Hello everyone, welcome. Actually, in this video, I will discuss about essential document process क्या होता है और onboarding process क्या होता है, कैसे सारे document को upload करें। तो पहले जब आप एसेंचर का एग्जाम देते हो और सारे हायरिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो, तब कंप्लीट करने के 15-20 दिन या मैक्स 1 मंथ बाद ही आपको एसेंचर की तरफ से मेल आता है कि हाँ, आपने हायरिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, आपको हम एसेंचर में लेना चाहते हैं। मैं बाद में बताऊंगा क्यों। तो यहाँ पे पहले एक डाउट आता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया, मेरे दोस्त का मेल आ गया कि आप सिलेक्ट हो, मेरा अभी तक मेल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कुछ भी नहीं। देखो क्या होता है, जो एसेंचर होता है ना, बैच वाइज मेल भेजता है किसी भी चीज़ का। तो मे भी वो दूसरे बैच में हो तो इसीलिए उसका मेल चला गया हो, और आप दूसरे बैच में हो तो आपको मेल नहीं आया, तो आप इस लाइन में वेट कर सकते हैं। तो देखो, दो मेल आता है, जो दोनों मेल आता है उस दोनों मेल का आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा होता है, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। तो दोनों मेल में क्या क्या करना होता है, तो देखो, पहला होता है एसेंचर प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, और दूसरा होता है टास्क नोटिफिकेशन। जब आप इस मेल को ओपन करोगे तो आप देखोगे इसमें एक लिंक होगा, एक यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा। यूजर नेम बेसिकली क्या होता है, जो आपका मेल आईडी होता है। तो उस पहले लिंक पे क्लिक करके अपने यूजर नेम डालें और पासवर्ड जो दिया हुआ है उस पासवर्ड को डालें और डाल के लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको बोलेगा अपडेट योर पासवर्ड, तो उस पासवर्ड को चेंज करें, न्यू पासवर्ड बना लो। और न्यू पासवर्ड बनाकर जैसे ही लॉगिन करोगे तो एक पोर्टल बन जाएगा आपके नाम से। उस पर आप देखोगे कि आपका एक फोटो होगा, आपका नेम होगा, वो सब कुछ होगा। और उसी में नीचे में पोर्टल के डैशबोर्ड में आप देखोगे कुछ कुछ टास्क, मतलब कुछ कुछ कॉलम होते हैं जिसको मैं बता दे रहा हूँ। पहला होता है नॉट बिगिन, दैट मीन्स ऐसा टास्क जिसको आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। रिजेक्टेड, ऐसा टास्क जो रिजेक्ट हो चुका है। सबमिट, ऐसा टास्क जिसको आपने सबमिट कर दिया है। और फिर अप्रूव्ड, मींस ऐसा टास्क जो अप्रूव्ड हो चुका है। तो उसी में देखोगे आप एक टास्क का नॉट बिगिन में, उस पर आप क्लिक करोगे तो होगा कि LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी करने से पहले आप उसको मस्ट डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए, दैट्स इट। तो इसमें एक और बात ध्यान देने को होता है कि मेल आने के 2 दिन के अंदर आपको आइदर यू हैव टू बी एक्सेप्ट और रिजेक्ट, जो भी करना है 2 दिन के अंदर करना है, नहीं तो ये डेडलाइन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो एक्सेप्ट करने के फिर आप देखो कि 3-4 दिन के बाद बहुत सारे टास्क आ जाते हैं, 13-14 टास्क होते हैं। ये भी वैरी करता है, किसी के लिए 14 टास्क होता है, किसी के लिए 12 टास्क होता है। तो इससे ऐसा कोई बात नहीं, जिसका एक टास्क ज़्यादा हो उसका पैकेज 1 लाख ज़्यादा होगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, सबका सेम है। तो फिर टास्क क्या होता है, पहले हम टास्क समझते हैं कि कैसे टास्क के बारे में, सारे टास्क के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर रिजेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, और POC के बारे में भी, कैसे कॉन्टैक्ट करें, कैसे अपने क्वेरी को सॉल्व करें, उसके बारे में बात करें। देखो, पहला टास्क होता है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स। इन दिस टास्क इट सिंपल, यू हैव टू बी इंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, दैट्स इट, फर्स्ट टास्क। सेकेंड टास्क, एड्रेस। एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डालना है, दैट सिंपल। और इसमें एक होता है कि कब से कब तक रहे हो एड्रेस पे, अगर आप शुरू से ही उस एड्रेस पे हो तो आप डेट ऑफ बर्थ से लेके आज का डेट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टेम्प्रोरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बहुत डिफरेंट है, तो डिफरेंट करके डालो, सेम है तो आप सेम डाल सकते हो, सिंपल, एक ही जगह पर भरना पड़ेगा। फिर आते हैं आइडेंटिटी डिटेल्स। इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जाता है, जैसे पैन कार्ड, और एक पैन कार्ड के बारे में डिटेल्स डालने पड़ते हैं आपको, पासपोर्ट। हाँ, पासपोर्ट के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, देखो कोई इशू नहीं है, पासपोर्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट है अच्छा बात है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए हो तो भी ठीक है, क्योंकि उसमें पूछेगा कि आपके पास पासपोर्ट है या नहीं, तो हाँ, नहीं तो नहीं, क्या आपने अप्लाई कर दिया है, तो हाँ आपने अप्लाई कर दिया है, या मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, जो भी हो चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बात होगा अपना रियल बता देना। रिज्यूम, कोई भी, जो भी सिंपल रिज्यूम बना कर रखे वो रिज्यूम अपलोड कर देना। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा गया है तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वोटर आईडी कार्ड भी है तो दे दो, नहीं है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन लेवल, 10th 12th के मार्कशीट का आपको उसमें डिटेल डालना पड़ेगा, कितने में, कितने ईयर में किए थे, कितना परसेंट आया था, कितना CGPA आया था, सब कुछ को डालना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि देखो, 10th का जो मार्कशीट होता है उस पर लिखा रहता है, मतलब आप 10th की हो, 15 में तो लिखा था 13-15, उसमें ना 9th क्लास का भी ईयर लिखा रहता, तो उसको आप ऐसा मत कीजिएगा, ईयर पूछेगा तो 10th का 1 ईयर, एक ही ईयर डालना है।
ठीक है, एजुकेशन लेवल हो गया, आपको सारे डिटेल्स 10 12 के जो भी होंगे डाल देना है। फिर आते हैं सेमेस्टर मार्क्स। यहाँ पे क्या होता है, देखो बहुत सारे कॉलेजेज में फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर करके 8 सेमेस्टर होते हैं 4 साल में। बहुत सारे कॉलेजेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ही होते हैं, मतलब ईयर वाइज एग्जाम होते हैं, कुछ में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। तो आप देखोगे वो पूछेगा कि आपके कॉलेज में क्या होता है, सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज। तो आपको जैसे होता हो, जैसे आपके पास मार्कशीट हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपलोड करना है सेमेस्टर वाइज, तो हर एक सेमेस्टर का डिटेल्स। और यहाँ पे आप देखोगे ना, आप सेमेस्टर के मार्क्स अपलोड करोगे तो पूछता है कि क्या आप श्योर है कि मार्क्सशीट जो है सही है, आप इसको एग्री एंड कंटिन्यू कीजिएगा या मॉडिफाई कीजिएगा, बार बार पूछेगा। तो अब देखो सही डाले हो तो एग्री एंड कंटिन्यू करो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है कैंडिडेट प्रायर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, दैट मीन उसमें आप उसको आप ओपन करोगे तो पूछता है हैव यू वर्क बिफोर अ सेंचर, तो यस नो, फॉर फ्रेशर इट्स नो, बस हो गया। फिर वर्क एक्सपीरियंस पूछता है, अगर आपके पास आप किसी और कंपनी में काम किया, कुछ भी कहीं भी काम किया, तो चाहो तो आप वर्क एक्सपीरियंस में ऐड कर दो, फ्रेशर्स के लिए आप इसको लीव इट ब्लैंक। फिर इंटरनेशनल वर्कर, इंटरनेशनल वर्कर का डिटेल पूछता है कि क्या है कैसा है, तो उसमें आप नो नो कर सकते हो। फिर आता है कैंडिडेट डिक्लेरेशन, उसमें आपको क्या करना है कि जो LOI होता है, लेटर ऑफ इंटेंट, जो आपने डाउनलोड किया था सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करने से पहले, तो उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, उस पर साइन करो, अपना नेम इन कैपिटल लेटर, डेट लिखो, और डेट आप कब का लिख रहा है यहाँ पे देखो, जिसने आपको सबमिट करना है उस दिन का डेट लिख सकते हो, दो दिन पहले का लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डिक्लेरेशन में लिख के इसको अपलोड करना होता है, बस हो गया। अब देखो आप फिर आते हैं कि क्या कैसे टास्क को सबमिट करें, तो ये मेरा सजेशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप क्या करो, सारे डॉक्यूमेंट को जब आप देखोगे सारे टास्क को 1 2 3 सब में 3 ऑप्शन होता है, सेव फॉर लेटर, सबमिट एंड सबमिट ऑल, ऐसा ही कुछ। तो आप क्या करो, सेव ड्राफ्ट कर लो, सेव ड्राफ्ट सारे को, सेव एज ड्राफ्ट, सेव एज ड्राफ्ट, सेव एज ड्राफ्ट, और जब सारे डॉक्यूमेंट का सारे डिटेल कंप्लीट हो जाए, फिर क्या करो कि एक बार सबको वेरीफाई करते जाओ, सबमिट 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 सबमिट, सारे टास्क को कर दो, एक ही दिन सबको कर दो। और अगर हो सके तो आप लेटर ऑफ इंटेंट में उसी दिन का डेट डाल दो तो बहुत अच्छा होता है। जब सबको सबमिट कर दोगे तो आप देखोगे कि जो टास्क होगा आपका सबमिटेड में सब चल जाएगा, और अप्रूव्ड में जो अप्रूव में जाएगा बाद में, जब अप्रूव होगा तो, या तो रिजेक्ट में जाएगा। अब बात करते हैं रिजेक्ट में जाएगा तो क्या होता है। देखो जो भी डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट में हो, रिजेक्ट हुआ, मान लो कि दो दिन बाद आप पोर्टल को ओपन किया, देखा कि 10 सबमिटेड 0, 10 अप्रूव्ड और 3 रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट जितने होते हैं ना उतने आपको मिल जाते हैं कि, और कमेंट के साथ में कि यह डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हुआ है इस वजह से, यह डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ इस वजह से, मिल जाता है। मेल में समझो, समझ में आए उसको अपलोड करो, कोई भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि देखो आप हायर हुए तो क्यों सेंचर हायरिंग किया, आपको जॉब देने के लिए ना, निकाले उन्हें का कोई दिमाग में रखो ही मत। फिर क्या होगा, देखो रिजेक्ट हुआ नहीं होगा ना, ज़्यादा समझ नहीं आता है तो आप लोग कॉल करने के, जैसे हे अमित कुमार जो अपने 10th का मार्कशीट अपलोड कर रहे हो, इसमें इसको सही से करो, ऐसा फुल फोटो भेजो, हाफ फोटो नहीं भेजो, तो कॉल भी करके बताते हैं। और ये ऐसा बात नहीं है कि एक ही बार रिजेक्शन का मौका आता है, 2 बार 3 बार, जब तक आपका सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा तब तक वो रिजेक्शन करते जाएंगे, वो कॉल करके आपको समझा भी सकते हैं, या तो कमेंट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब, मतलब कमेंट कहाँ, मेल में आपको मेल आता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है इस वजह से, उसमें कमेंट होता है। अब एक सबसे बड़ी सवाल कि हमको जो मेल आता है उस मेल का तो हम रिप्लाई कर नहीं सकते, तो कोई भी क्यूरी है, कोई भी हम डाउट है, तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो इसके लिए आप देखोगे जो पोर्टल पर बनाए हो अपना पासवर्ड लॉग इन यूजर करके, तो उसमें देखोगे क्यूरी रेज करने के लिए ऑप्शन होता है, तो आप चाहो तो क्यूरी रेज करके, और जो उसमें सोल्यूशन मिलेगा ना, थोड़ा टाइम लगता है आंसर आने में, बट करेक्ट सोल्यूशन आते हैं उसमें। और देखो उसी में आप देखोगे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको गो थ्रू करोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम आपके सारे प्रॉब्लम्स के आंसर मिल जाएंगे। और भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कहीं भी कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हो, भारद्वाज अमित_ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe the channel.